अच्छा लगा ये जानकर सर जेरो कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु प्रेम तो बहती नदी के पानी सा होता है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार कभी बांध तोड़कर आगे निकल जाता है, कभी एक जगह ठहर कर धीरे धीरे बहता है। और अकाल की स्थिति में अर्थात विषम परिस्थितियों में तो भाप बन के उड़ जाता है। और आप कहते हो कि आपके हृदय में मेरे अलावा कभी कोई नहीं आएगा। आपकी कही ये बात मेरे लिए गर्व और सम्मान से भरी अवश्य है, किंतु सर जेरो जी, ये दुनिया ना बहुत ही विचित्र है। हमारी छोटी आई ने मुझे एक नहीं हजारों ऐसे किस्से बताए हैं जिनमें एक दुर्बल परिस्थिति आई नहीं कि वचन, मान, मर्यादा सब समय की आंधी में उड़ गए। अब आप ठहरे बाके जवान जिस पर कोई भी मोहित हो जाए, ऊपर से पैरों में लगे हैं योद्धा वाले चक्के, जो आज इस नगरी तो कल उस नगरी, और ऐसे में आपको किसी नगरी में कोई ऐसी मिल गई जिसकी आंखें मुझसे अधिक गहरी सुंदर होंगी, बातें मुझसे अधिक मधुर होंगी, तो आप क्या करेंगे? उसका पल्लू पकड़ के वहीं बैठ जाएंगे ना? बोलो बोलो क्या करोगे? आपका चेहरा तो देखो कैसे एक मामूली से प्रश्न पर चकित हो गया। डरो मत, कावेरी को सर जेरो के वचन पर रत्ती भर भी शंका नहीं है। मैं जानती हूं आप चाहे संसार की किसी भी कोने में चले जाएं, कावेरी सदा तुम्हारे हृदय में।